हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेल्यूमेंट इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम पहले सॉफ्टवेयर अकाउंट जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो भाई साहब, आज का जो टॉपिक है वो है जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग सर? जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम। इस वीडियो के बाद आप इस स्कीम को ना तो खुद चूज करोगे ना ही किसी को करने दोगे। तो सर, ऐसा कौन सा अत्याचार हो गया जो कि इस स्कीम को ना चूज करोगे ना करने दोगे? तो भाई साहब, वीडियो को देखना पड़ेगा। एक बार वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपके बुद्धि में एकदम से फिट हो जाएगा कि जो क्यूआरएमपी स्कीम है वो नहायती लुल स्कीम है। मतलब इस स्कीम को चूज करने का कोई भी फायदा नहीं है, और अगर फायदा है तो वो कहाँ पे है वो भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भाई साहब। और वीडियो के लास्ट में, मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको इसमें एक ऐसा बताऊंगा जो भाई साहब आप मतलब को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ही पड़ेगा कि हाँ सर मजा आ गया। और साथ में वीडियो में लाइक का बटन भी आप अपने आप ही दबा दोगे मेरे बिना कहे। वैसे तो आप दबा ही देते हो, ये आपका प्यार है। कि 4 दिन पहले मैंने भी एक बैच अनाउंस किया था जिसमें 150 सीट्स अवेलेबल थी, उसमें से 130 ऑलरेडी जो है अभी तक फिल हो भी चुकी है, केवल 20 सीट रह गई हैं। और एडमिशन क्लोजिंग डेट जो है वो कल की डेट है। तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करिएगा तो डिटेल वहां से आप ले सकते हो। नहीं तो आई बटन पे वीडियो का लिंक है, उसको देख लो तो वहां से उसको समझ लो कि भैया कैसे क्या करना है। सो बात कर रहे हैं जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न मंथली स्कीम। बिल्कुल बेकार स्कीम है सर, इसको चूज करने का कहीं पे भी किसी एंगल पे कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि ये आपके बिजनेस को सफर करती है बहुत ज्यादा। मतलब आपके बिजनेस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है बहुत बड़े लेवल पे। तो देखते हैं सर कैसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना खुद चूज करोगे ना किसी को करने दोगे। 100% प्रैक्टिकल वीडियो जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम के रिगार्डिंग। तो सर, जैसे कि आपको पता है भाई साहब, आपने अगर ले लिया जीएसटीएन नंबर, आप काम करो और चाहे मत करो तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। बेसिकली दो रिटर्न हम इंपॉर्टेंट जिनको रिटर्न मानते हैं वो है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी। जीएसटीआर 1 में हम अपनी सेल की डिटेल भेजते हैं, जीएसटीआर 3 में हम अपनी सेल और परचेज की कंसोलिडेटेड समरी भेजते हैं, ठीक है सर। सो ये दोनों रिटर्न अगर हम क्यूआरएमपी आने से पहले की बात करें तो हम मंथली फाइल करते थे, हालांकि उसमें भी 1.5 करोड़ रुपए तक का जिनका 1.5 CR तक का टर्न ओवर होता था वो जीएसटीआर 3 भी तो मंथली करता था, बट जीएसटीआर 1 क्वार्टरली करता था। खैर ये सब पुरानी बातें हैं, इसको बात करने का कोई विषय नहीं है। आज की तारीख में अगर कोई मंथली फ्रिक्वेंसी वाला है तो जीएसटीआर 1 मंथली फाइल करेगा और 3 भी मंथली फाइल करेगा। पर उसने क्यूआरएमपी को अगर चूज कर लिया तो जीएसटीआर 1 वो क्वार्टरली फाइल करेगा और 3 भी क्वार्टरली फाइल करेगा। तो सरदार जी, जब जीएसटीआर 1 और 3 को क्वार्टरली फाइल करेगा तो आप इसकी स्कीम को बेकार क्यों बता रहे हो? अरे भाई समझो तो सही आगे कि कितनी नुकसान वाली स्कीम है और कितना आपके बिजनेस को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो समझो भाई साहब, सबर रखो, सबर का फल होता है मीठा, ठीक है। सो पहले तो ये समझो कि क्यूआरएमपी स्कीम को चूज कौन कर सकता है। तो दो तरीके के व्यापारी हैं भाई साहब गवर्नमेंट की निगाह में, एक छोटा व्यापारी एक बड़ा व्यापारी। मतलब एक वो व्यापारी जिसका टर्नओवर 2-5 करोड़ रुपए तक का है, एक वो व्यापारी जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का है। तो जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है वो क्यूआरएमपी स्कीम को चूज कर सकता है और चाहे तो नहीं भी कर सकता है। और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो मंथली फ्रीक्वेंसी में ही जाएगा। मतलब वो जीएसटीआर 1 और 3 को मंथली ही फाइल करेगा। तो मान लो हम ऐसे व्यापारी हैं जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है और हम क्यूआरएमपी स्कीम को लेना चाहते हैं, और मेरा क्लाइंट मेरे पास आता है और बोलता है कि सर क्यूआरएमपी ले लो भाई साहब, आप वकील अकाउंटेंट भाई साहब मंथली मत लेना क्यूआरएमपी ले लो। तो मैं उसको समझाऊंगा, बेटा तू अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मार, तू मंथली वाला ले। तो मैं उसको कैसे बताऊंगा ये समझो भैया। सो अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है तो हम क्यूआरएमपी के साथ जा सकते हैं। क्यूआरएमपी के जाने के पीछे का हमारा मोटिव क्या होता है या गवर्नमेंट का इसको पीछे बनाने का मोटिव क्या था? भाई गवर्नमेंट को बनाने का मोटिव ये था कि जो छोटा व्यापारी है वो रोजाना रिटर्न फाइल ना करे, मतलब महीने के महीने फाइल ना करके क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर दे। दैट्स ऑल, गवर्नमेंट की इसमें इंटेंशन अच्छी थी, पर क्या वो इंटेंशन फुलफिल हो रही है? बिल्कुल भी फुलफिल नहीं हो रही, किसी भी एंगल से फुलफिल नहीं हो रही है ना। सो क्यों नहीं हो रही सर? भाई इस क्यूआरएमपी के रिगार्डिंग हमें दो काम होते हैं, एक क्वार्टरली रिटर्न एक मंथली पेमेंट। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर हम जीएसटीआर 1 और 3 को क्वार्टरली फाइल करें, पर ऐसा तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो सर अगर आप क्यूआरएमपी को चूज करते हो तो जो आपका जीएसटीआर 1 है वो जीएसटीआर 1 क्वार्टरली तो हो जाता है, बट आपको आईएफएफ किसके थ्रू सर? आईएफएफ के थ्रू अपने इनवॉइसेस को मंथली अपलोड करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो ऑप्शनल है, ये तो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं थोड़ा ना मैं अपलोड करूं कि नहीं करूं। तो मेरे भाई आईएफएफ में हमें B2B इनवॉइसेस की डिटेल देनी होती है। क्यों देनी होती है? गवर्नमेंट पागल तो है नहीं, पगला तो नहीं गई है?
क्यों लेके आई है आईएफएफ को? इसलिए लेके आई है क्योंकि अगर आप आईएफएफ में बी2बी इनवॉइसेस अपलोड नहीं करोगे तो जिसने आपसे माल खरीदा है उसके ना तो 2A में आएगा ना 2B में आएगा, तो वो आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाएगा। जब वो आईटीसी को क्लेम नहीं करेगा तो आपका बिजनेस सफर होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। सो मेरे भाई क्यूआरएमपी लेने के पीछे मेरा जो मोटिव था वो ये था कि भाई मेरी जीएसटी अब 1 और 3B क्वार्टरली फाइल होने लगे, तो पहली तो मेरी फाइल होनी नहीं, जीएसटी 1 तो मेरे को मंथली फाइल करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को आईएफएफ के थ्रू अपलोड करना पड़ रहा है। अगर मेरे बी2बी की सेल है तो बी2सी की है तो उसका ट्रीटमेंट अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूं। सो बी2बी की है तो मुझे आईएफएफ के थ्रू मंथली फाइल करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हर क्वार्टर के शुरुआत के 2 महीने में तो मैं मंथली फाइल करूंगा, उसी क्वार्टर के अंत के महीने में मेरे को इनवॉइसेस को सेपरेट करना पड़ेगा। जो इनवॉइसेस मैं 2 महीने में अपलोड कर चुका हूं पहले, लास्ट वाले रिटर्न में मेरे को वो हटाने पड़ेंगे और केवल उसी महीने के अपलोड करने पड़ेंगे। फिर डॉक्यूमेंट समरी अपलोड करने पड़ेगी, फिर एचएसएन समरी अपलोड करने पड़ेगी, फिर बी2सी की अपलोड करने पड़ेगी और भी तमाम दुनिया भर की चीजों को अपलोड करना पड़ेगा, तो मैं तो प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा, कहां कहां तक सेपरेट करूंगा। तो अकाउंटेंट भाइयों को समझने की जरूरत है कि भैया ये तो निहायत ही बेकार स्कीम है, मैं पहले सेपरेट करूं, फिर मंथली अपलोड करूं, फिर बी2सी को अपलोड करूं, फिर एचएसएन समरी अपलोड करूं, इतनी सारी सेपरेट फाइल्स को अपलोड करूं, उसमें भी अगर कहीं पे भी कुछ गलती हो गई तो मैं क्या करूंगा भाई साहब? गलती किसके ऊपर आएगी? अकाउंटेंट के ऊपर। तो समझो इस चीज को। सो भैया पहली कंडीशन तो फुलफिल हो ही नहीं रही। दूसरी कंडीशन क्या है सर? दूसरी कंडीशन ये है कि 3B हम क्वार्टरली फाइल करेंगे, तो वो तो बिल्कुल ही फुलफिल नहीं हो रही, वो तो बिल्कुल ही फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि क्यूआरएमपी के माध्यम से सर आप 2 तरीके से टैक्स पे करते हो, एक सेल्फ असेसमेंट और दूसरा फिक्स्ड। अगर मैं दोनों ही मेथड चूज करता हूँ, ये दोनों में से कोई भी मेथड चूज करता हूँ तो मैं बेवकूफ हूँ। अगर मैं जीएसटीआर 3B फाइल भी नहीं करता और सेल्फ असेसमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट को जमा कर देता हूँ तो भैया मैं फाइल ही कर लेता, और अगर मैं सेल्फ असेसमेंट के थ्रू नहीं करता फिक्स्ड मेथड के थ्रू करता हूँ तो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो हमेशा फिक्स रहता हो, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, तो कभी अमाउंट ज्यादा चली जाएगी, कभी कम जाएगी, या लास्ट में आके मेरे को उसमें कुछ ना कुछ एडिटिंग करने पड़ेगी, पैसे कम जमा हुआ है, पैसे ज्यादा जमा हुआ है, ब्याज जमा कराऊं कि नहीं कराऊं, यही आप इसी प्रॉब्लम में घूमते रहोगे। पहले के काम निपटा लोगे या प्रॉब्लम में पड़ो? तो कहने का मतलब क्यूआरएमपी लाने के पीछे का जो मोटिव था कि जीएसटी 1 और 3B क्वार्टरली फाइल की जाए, वो किसी भी एंगल से पूरी होती ही नहीं है। जीएसटी 1 में आप आईएफएफ फाइल करते हो, नहीं फाइल करोगे तो सामने वाला आपसे फाइल करवा लेगा क्योंकि आपका बायर आपको बोलेगा, और इसी तरीके से 3B मेरी क्वार्टरली फाइल हो ही नहीं पा रही क्योंकि रिटर्न का नाम ही ऐसा, रिटर्न का नाम ही क्या है? क्यूआरएमपी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो जब मंथली पेमेंट करूंगा तो 3B में क्या करते हो? पेमेंट ही तो करते हो, तो 3B हम फाइल ही कर लेंगे, इससे बढ़िया तो हम क्यों इस स्कीम को चूज करें? ये तो मैंने अभी आपको मोटा माटी अंतर बताया, अभी तो उसके पीछे का एक इंपॉर्टेंट लॉजिक और है। सो कहने का मतलब क्यूआरएमपी के पीछे मेरा जीएसटी 1 और 3B क्वार्टरली फाइल नहीं हो रहा, मंथली फाइल हो रहा है। सो आई होप ये बात पकड़ में आई होगी, पकड़ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताना सर, हाँ मजा तो आ रहा है, ठीक है। सो जीएसटी 1 3B जब मेरी क्वार्टरली फाइल होगी नहीं तो मेरे को मंथली के साथ जाना ही मेरे लिए बेटर है। तो चलिए सर अब इसके पीछे का एक और लॉजिक समझते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर इस स्कीम को आपको चूज करना है। तो सर मैं आ गया जीएसटी पोर्टल के ऊपर, जीएसटी पोर्टल के ऊपर मैं आ गया। अब सपोज दैट कि आप हो सर मंथली वाले, मैं हूं क्वार्टरली वाला, आपने मुझसे माल खरीदा, आपने मुझसे माल खरीदा और मुझे बोला कि सरदार जी 11 तारीख भी निकल गई, 13 तारीख भी निकल गई, अपनी रिटर्न को तो फाइल कर दो। आपको पता है मंथली वाले के लिए जीएसटी 1 की डेट 11 तारीख, क्वार्टरली वाले के लिए जीएसटी 1 की डेट या आईएफएफ की डेट 13 तारीख। सर आप मुझे क्यों रिटर्न फाइल करने के लिए कह रहे हो? आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपके 2A और 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, 2A 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, तो आपको या आपका सीए या आपका ऑनर आईटीसी क्लेम करने के लिए मना कर रहा है, गवर्नमेंट भी आपको मना कर रही है। सो आपने मेरे को फोन करा, सरदार जी रिटर्न को फाइल कर दो भाई साहब। मैंने कहा ठीक है सर फाइल कर देते हैं। 15 तारीख को आपको फोन आया, मैंने 15 तारीख को पोर्टल के ऊपर गया, मैंने बोला चलो रिटर्न फाइल कर देते हैं, भाई हमारा व्यापार थोड़ा खराब होना चाहिए, अगर मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा तो आप मेरे पैसे रोक लोगे, नहीं तो मुझसे माल नहीं खरीदोगे, दुनिया भर की प्रॉब्लम होगी। जो मैं सेकंड पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आपके बिजनेस को सफर करता है ये क्यूआरएमपी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। तो भैया आपने मुझे बोला रिटर्न फाइल कर दो, मैं पोर्टल पे गया रिटर्न फाइल करने के लिए, और पोर्टल पे जाके मैंने क्या देखा सर, अक्टूबर का तो ऑप्शन ही एक्सपायर्ड हो गया है। आप रिटर्न को फाइल कर ही नहीं सकते हो, इनवॉइसेस को अपलोड कर ही नहीं सकते हो, जो सबसे बड़ा इशू है। देखो भैया अगर आप भी मंथली, मैं भी मंथली, मैंने रिटर्न फाइल नहीं की 11 तारीख को, 15 तारीख को आपका फोन आया मेरे पास कि सरदार जी रिटर्न को फाइल करो, मैंने रिटर्न फाइल कर दी क्योंकि मैं जीएसटी 1 और जीएसटी 1 कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। मैंने रिटर्न जब फाइल करूंगा तो आपके 2B में तो नहीं आएगा उस महीने के, पर उस महीने के 2A में तो आ जाएगा,
और चूंकि आपकी 3B रिटर्न अभी फाइल नहीं हुई है, तो 3B रिटर्न को फाइल करने से पहले आप चाहो तो 2A का ITC क्लेम कर सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पे भी बोल नहीं रहा कि आप क्लेम करो, ये आपका अपने सीनियर, आपके CA, आपके ऑनर का आउटलुक है। मेरा जो अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ वो मैं आपको आने वाली किसी वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक नहीं है कि एक्चुअली ITC को कैसे क्लेम करना चाहिए। बहरहाल आपके कम से कम 2A में तो आ जाएगा, आपको तसल्ली तो मिल जाएगी। कम से कम 3B की रिटर्न फाइल करने से पहले आपके 2A में होगा, तो आप गवर्नमेंट को जवाब तो दे सकती हो कि मैंने ITC इसलिए क्लेम करी क्योंकि 2A के अंदर थी। पर अगर वो आपके 2A में ही नहीं आएगा ना 2B में होगा, तो ITC कैसे क्लेम करोगे भाई साहब? इसलिए IFF में तो ऑप्शन ही एक्सपायर हो जाता है, IFF में ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है अगर डेट निकल गई 13 तारीख। IFF का कभी ऑप्शन एक्सपायर नहीं होता। जब मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा तो आप मुझसे माल खरीदोगे क्यों? आप बोलोगे यार ये तो आदमी बेकार है, इससे तो माल लेने बेकार है। एक तो उसको 15 तारीख को याद दिलाया कि रिटर्न फाइल कर दे, फिर भी ये फाइल नहीं कर सकता क्योंकि ये QRMP में। तो आप कहोगे छोटा व्यापारी इससे माल काम करना ही बेकार है। तो मेरे भाई इस तरीके से ये आपके बिजनेस को भी सफर करता है, क्योंकि IFF के अंदर अगर आपकी डेट निकल गई तो आप उस महीने के इनवॉइसेस को अपलोड नहीं कर सकते जब तक नेक्स्ट मंथ में आपका नेक्स्ट, मतलब मैं अगर बात करूं अक्टूबर का निकल गया तो मैं नवंबर जब फिनिश होगा, नवंबर का महीना का फिनिश होगा 30 तारीख को, उसके बाद भी मैं 13 तारीख तक अपनी रिटर्न को फाइल कर सकता हूं, जिसमें मैं अक्टूबर और नवंबर दोनों के ऐड करूंगा। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी ऐड करो कभी सेपरेट करो, तो कौन इतने झंझट में पड़ेगा मेरे भाई? आई होप आप बात को पकड़ पा रहे होगे कि सर QRMP स्कीम के रिगार्डिंग बात चल रही है। QRMP स्कीम में क्या है मेरे भाई? QRMP स्कीम में क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, क्वार्टरली रिटर्न किसी भी एंगल से फुलफिल होता नहीं है क्योंकि मेरे को IFF के थ्रू B2B इनवॉइसेस को अपलोड करना पड़ता है, और 3B में मुझे जैसा कि मंथली पेमेंट है टैक्स जमा करना पड़ता है, तो 3B तो ऑटोमेटिकली मैं टैक्स को जमा कर रहा हूं, तो 3B को फाइल करने में देर कितनी लगती है? 3B को भैया डाटा बनाने की जरूरत ही नहीं है, 3B GST 1 से लायबिलिटी उठाती है, 2B से आपकी ITs उठाती है, दैट्स ऑल। तो 3B तो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती, 3B में तो केवल टैक्स ही जमा करना होता है ना सर आपको, और वो टैक्स अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड या फिक्स्ड मेथड से जमा कर दोगे तो फिर फायदा क्या हुआ QRMP का? फिर तो आप मंथली सा फाइल कर रहे हो। तो सर रिटर्न किसी भी एंगल से आपकी मंथली जा ही नहीं रही, आपकी क्वार्टरली जा ही नहीं रही, आपकी मंथली जा रही है, तो स्कीम को चूज करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप मंथली, मैं रेगुलर हूँ, आप अगर मंथली और मैं क्वार्टरली हूँ, तो आप मुझसे माल खरीदना पसंद नहीं करोगे क्योंकि अगर मैं इनवॉइस मंथली अपलोड नहीं करूंगा, तो इस तरीके से आपके बिजनेस को भी सफर करता है। तीसरा पॉइंट कि सर ये स्कीम कहाँ पर यूजफुल होती है? तो सर ये स्कीम वहाँ पर यूजफुल होती है जहाँ पर मेरी B2B की सेल नहीं है। अगर मेरी B2B की सेल नहीं है और B2C की है, तो मुझे IFF अपलोड करने का जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब मेरा GST 1 प्योरली क्वार्टरली हो गया। नंबर 2, दोनों कंडीशन मीट आउट होनी चाहिए, केवल एक नहीं, केवल B2C नहीं, दूसरी कंडीशन भी समझो, क्योंकि दोनों रिटर्न की बात करेंगे, 1 और 3B। तो 1 मेरी क्वार्टरली कब जाएगी? जब मेरी B2C की सेल नहीं होगी तो मैं क्वार्टरली GST 1 प्योरली फाइल कर सकता हूँ। और 3B मेरा क्वार्टरली कब जाएगा? जब मेरा टैक्स ही ना बनता हो। तो अगर ये दोनों कंडीशन अगर आपकी मीट आउट होती है, नंबर 1 आपकी सेल B2C की है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर है, बिजनेस टू बिजनेस नहीं है, नंबर 2 आपका टैक्स ही नहीं बनता, आपकी ITC पड़ी रहती है, तो उस केस में आप QRMP को चूज कर सकते हो। अदरवाइज QRMP स्कीम किसी भी एंगल से एक अच्छी स्कीम नहीं है, अकाउंटेंट, ऑनर, एंटरप्रेनर सभी के लिए प्रॉब्लम का घर है। अगर मैं गलत हूँ भाई साहब तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगा अगर आपके पास इसका कोई बेटर सॉल्यूशन हो। सो मुझे लगता नहीं है कि QRMP किसी भी एंगल से बढ़िया है। सबसे बड़ा दिक्कत इसके अंदर यह है कि ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है। जब ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, अगर मुझे कोई रिमाइंड भी कराता है कि सर आप अपना IFF के थ्रू B2B इनवॉइसेस को अपलोड कर दो, तो भी मैं अपलोड नहीं कर सकता, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। सामने वाले व्यापारी और मेरे दोनों के बीच में रिलेशन खराब हो जाएंगे। सो आई होप बात आपके पकड़ में आई होगी सर, बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में सर लिख के बताइएगा कि भाई साहब मजा आया, ऐसी वीडियो लाते रहे। सो धन्यवाद, थैंक यू।